मध्य प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली इलाके में मस्जिद मामले ने बुधवार को एक बार फिर से तूल पकड़ लिया। AIMIM नेता शोएब जमाई ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर संजौली मस्जिद मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की बात कही है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में दोबारा विवाद छिड़ गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की तैनाती संजौली में बढ़ा दी गई है। मस्जिद के इमाम मोहम्मद शहजाद का कहना है कि वो शोएब जमाई को जानते ही नहीं, हालांकि इमाम भी जमाई के साथ वीडियो में नजर आ रहे हैं। और इसी बीच संजौली मस्जिद कमेटी ने शोएब जमाई को कड़े शब्दों में संदेश दिए हैं। और लगभग 12:30-1 बजे के करीब पहुंचे यहाँ पर, और हमें ये नहीं पता था कि ये ऐसे व्यक्ति हैं, हम तो जानते भी नहीं थे। तो हमें आज से जब वीडियो हमने देखी, उनको ये नहीं पता कि भाई यहाँ पर जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं, इन सबके नक्शे पास है। अब हमारी जो मस्जिद है वो जो अवैध जो बनी हुई है, हमने तो इसको पहले ही कर दी है। हमारी ये मंशा नहीं थी कि जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके दिलों को ठेस पहुंचाना, मकसद नहीं था हमारा में कि भाई हम इस वजह से उनको दिखा रहे या उनको ले जाए। हमारा हमें पता ही नहीं था कि भाई वो आए क्यों, उनका मकसद क्या है और किस पार्टी से वो रखते संबंध रखते हैं। तो उन्होंने नमाज पढ़ी वहाँ पर अदा? हाँ, नमाज पढ़ी। हम नमाज के लिए, देखो नमाज हो रही है मस्जिद में, नमाज के लिए किसी को ऐसे मना नहीं कर सकते। जो उन्होंने जो काम किया है उनको यहाँ की हिमाचल प्रदेश की जो हमारी प्यार मोहब्बत ये जो यहाँ का माहौल है उनको यहाँ के नहीं है, पता नहीं है, मगर जो उन्होंने किया उसका हम बहुत सख्ताई के साथ खंडन करते हैं। बिल्कुल भी किसी को मस्जिद के अंदर आज के बाद जो है एंट्री ऐसे व्यक्ति को नहीं देगी। उन्हें कंप्लेंट करेंगे आप जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है? जो उनके ऊपर कंप्लेंट है उसकी जो है कंप्लेंट हो चुकी है। हाँ, नमाज पढ़ने आए, हम नमाज पढ़ने को कोई किसी को मना नहीं कर सकते। अब उनके बारे में ना हमारे मौलवी साहब जानते थे कि कौन है, ये कौन शख्स है। जब उनने वीडियो बनाई जो वायरल हुई तो हमको पता चला कि भाई तो दिल्ली से कोई शोएब जमाई नाम का कोई आदमी है। और ये आपको पता, ये ओवैसी के AMI के आदमी है, उनका सबको पता कि कौन है। हमारी सरकार भी जानती है, प्रशासन जानती है कि ये जो है BJP के BTM के आदमी है। तो बोलने कोई शर्म नहीं है। हम उनसे आग्रह करते हैं कि हमारा संजौली का, खासकर शिमला का, ये माहौल को खराब मत करो। हमारा आपसी जो भाईचारा है, जिस तरीके से हमारी सब प्लेटफार्मों में बात हो रही है, हिंदू संगठनों से भी बात हुई है, सनातन वालों से भी बात हुई है कि भाई इसको बैठ के हम सॉल्व करें। हमने खुद पहल की, हमारे मुफ्ती साहब है, मौलवी साहब है, हमने खुद पहल की, जिसका पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने भी धन्यवाद किया कि भाई ये बहुत बड़ा इन्होंने पहल की है। ऐसा हो अगर सब लोग सोचें तो बहुत अच्छी बात है। अब हमसे यही आग्रह करते हैं कि भाई तुम हमारा संजौली का माहौल मत खराब करो। हम जो हमारा जो चला सिस्टम, हमने खुद पहल करके जो हटाने को हम तैयार है। और बिल्डिंग का वीडियो दिखा रहे हैं, उनका नक्शे पास है, उनको क्या पता कि आगे क्या रूल रेगुलेशन है। जो है रूल रेगुलेशन के हिसाब से इसके 5 मंजिल है, किसी 4 मंजिल है, वो तो हमसे उनको परमिशन दी है। पर हम तो बोल रहे हैं हमारे तो 2.5-2 मंजिल जो अवैध है उसको हम हटाने को खुद तैयार है। उसमें उनको मैं बोलता हूँ बाहर के लोगों को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। सर, इसमें एक चीज़, जैसे जो वीडियो उन्होंने बनाया है और वो कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, PIL जो है डालेंगे, तो इसमें आप तो नहीं करेंगे इसमें? जो मस्जिद कमेटी, हम उनके साथ नहीं है, हम स्वयं, हमने तो खुद लिख के दे दिया है। हम तो प्रशासन से भी आग्रह कर रहे हैं कि हमारे को जल्द से जल्द इसको हटाने में कोई कानूनी पहलू है तो चले। और कई उन्होंने भी एप्लीकेशन लगा दी कि हमारी सुनाई हो, ऐसा हो, वैसा हो, बनी जो बातें हो रही, तो हम तो खुद हटाने के लिए तैयार है जो अवैध है।